अंजू अपने पति राजीव और बच्चों के साथ बहुत खुश थी। उनके दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। बड़ा लड़का अभी 12 साल का है, लड़की छोटी है 8 साल की। एक मिडिल क्लास परिवार है। अंजू के पति राजीव का कपड़े का एक छोटा सा कारोबार है, जिसमें उनका घर और दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। राजीव अपने बच्चों और पत्नी को बहुत प्यार करता है। अंजू अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, लेकिन फिर उस एक दिन से सब कुछ बदलने लगता है। एक दिन राजीव जब घर आया, तब उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। उसके बच्चे वहीं बैठे पढ़ाई कर रहे थे। बातों बातों में उनमें बहस हो गई और वो झगड़ा करने लगे। राजीव वहीं बैठा था और अपने ही ख्यालों में खोया था। उनको झगड़ता देख राजीव को गुस्सा आ गया और उसने उठकर अपने बच्चों को एक एक तमाचा लगा दिया। अंजू किचन में से आई। बच्चों और अंजू के लिए यह बात बड़ी ही आश्चर्य की थी, क्योंकि राजीव ने आज से पहले कभी अपने बच्चों को मारना तो दूर की बात, जोर से डांटा भी नहीं था। हमेशा उन्हें प्यार से समझाया करता था, लेकिन आज उसे क्या हो गया? अंजू ने राजीव से बात की कि क्या हुआ, आपको कुछ बात है क्या? लेकिन वो गुस्से में कुछ नहीं बोलकर वहां से चला गया। अंजू को पता चल गया था कि जरूर कोई बड़ी बात है जो राजीव को परेशान कर रही है। कुछ दिन राजीव का स्वभाव ऐसा ही रहा। इस दौरान राजीव अपनी चीजों को लेकर भी कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया था। उसने अपना एक अलग लॉकर रख लिया था, जिसकी चाबी उसी के पास रहती थी। अंजू को यह पता था कि राजीव उसमें कुछ रखते हैं, लेकिन वो राजीव से इस बारे में बात नहीं कर रही थी। उसे लगा कि शायद वो इस बारे में पूछेगी तो कहीं वो बुरा नहीं मान जाए। ऐसे ही आजकल उनका मूड कुछ सही नहीं रहता है, इसलिए उसने इस बारे में बात ही नहीं निकाली। राजीव कुछ दिनों से अब अकेला रहने लगा था, ज्यादा बातें नहीं करता बच्चों से भी। अंजू को यह बात खटकने लगी। एक दिन जब राजीव अपने लॉकर में कुछ रख रहा था, तब अंजू वहां आ गई। अंजू को देखकर उसने झट से सबसे पहले लॉकर को बंद किया। अंजू ने पूछा, क्या हुआ? ऐसा क्या है जो आप छिपा रहे हैं? क्या हो गया आपको? कुछ बात है तो बताइए। राजीव ने कहा, कुछ नहीं, कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। अंजू को अब चिंता सताने लगी। उसे अपने पति का बदला रूप साफ दिखाई दे रहा था। घर में शांति ना हो तो उसका असर सब पर पड़ता है। करीब एक महीने तक उसके पति का यही रूप रहा, लेकिन एक महीने बाद अचानक वो फिर से बदलने लगा। पहले की तरह ही अपने बच्चों से बात करने लगा, शांत और सरल पहले से भी ज्यादा हो गया। अंजू खुश तो थी, लेकिन उसके मन में अभी शंका और संकोच तो बना ही हुआ था कि अपने पति के इस तरह के बदलाव से उसके मन में अभी तक दुविधा थी। सब कुछ धीरे धीरे फिर पहले जैसा होने लगा, लेकिन अभी भी राजीव अपने लॉकर को नहीं छोड़ता था। लॉकर पर ताला ही रहता था, ना ही उसे किसी को हाथ लगाने की इजाजत होती थी। अंजू को लगा राजीव फिर से वैसे हो गए हैं, अभी यह काफी है। धीरे धीरे वह शायद ही अपने मन की बात बता दें। समय बीतता गया। एक दिन अंजू दोपहर अपने घर से कुछ काम को निकल गई। राजीव दुकान पर थे और बच्चे स्कूल, इसलिए वो घर के काम से खुद गई। लेकिन बाहर जाने पर उसे पता नहीं था कि उसे ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है। उसे वहाँ राजीव दिखाई दिया, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत औरत के साथ, और राजीव उसे पैसे भी दे रहा था। उनको देखकर अंजू छिप गई ताकि वो दिखाई नहीं दे, लेकिन अब उसके मन में सवालों के भूचाल आ गए थे। तरह तरह के ख्याल आने लगे कि इस औरत की वजह से ही शायद उसके पति में बदलाव आया है। शाम जब राजीव घर आया तो अंजू ने पहले ही कुछ सोच रखा था। उसने राजीव से पूछा, दिन कैसा गया? कहीं गए थे या दुकान पर ही थे? राजीव ने कहा, नहीं, दुकान पर ही था, कहाँ जाऊंगा। अंजू को पता था कि राजीव झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों, किस कारण से यह उसे नहीं पता था। उस दिन से अंजू राजीव पर नजर रखने लगी। वो बीच बीच पर दुकान जाती थी और राजीव का फोन चेक करती थी, लेकिन अगले एक महीने तक उसे कुछ नहीं मिला। राजीव ना तो उस औरत से मिला, ना ही कुछ और। लेकिन फिर एक महीने की एक तारीख को वो उससे फिर मिलते दिखाई दिया और उसे पैसे भी देता दिखा। अंजू को फिर
समझ नहीं आया कि आखिर यह बात क्या है। कुछ महीनों तक उसे देखा कि और उसे पता चला कि राजीव हर महीने उस औरत को पैसे देता है। अंजू ने महीनों तक इस बात को देखा था। एक दिन जब राजीव अपने घर आया तो अंजू ने उसको पूछ ही लिया कि क्या बात है, आप कुछ छिपा रहे हैं क्या। राजीव ने कहा कि नहीं, फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई। अंजू ने इस बार बोल ही दिया कि अगर कुछ छिपा नहीं रहे हो तो हर महीने उस औरत को पैसे क्यों देते हो। राजीव के मुंह का रंग बदल गया, वो तिलमिला गया और गुस्से से बोला, तो तुम मेरा पीछा कर रही हो, मुझ पर नजर रख रही हो। हर महीने मैं बहुत लोगों को पैसे देता हूँ, तुम क्या जानती हो दुकान के बारे में। अंजू ने कहा कि मैं जानती हूँ दुकान के बारे में और यह भी जानती हूँ कि वो दुकान का काम नहीं था। राजीव ने कहा कि तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे तुम्हें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। वो बात वहाँ खत्म नहीं हुई। अंजू ने उसके बाद भी राजीव पर नजर रखी, लेकिन अब वो उसके साथ फिर दिखाई नहीं दिए। अंजू ने सोचा कि शायद राजीव ने अब मिलने की जगह को बदल दिया होगा। राजीव का लॉकर भी उसे अब खटकने लगा। उसे लगा कि हो न हो शायद इसी में वो राज है जो उस औरत और राजीव के बीच में है। राजीव जब नहीं था तब उसने कोशिश की उस लॉकर को खोलने की, लेकिन वो नहीं खुला। घर में बच्चों को देखकर अंजू चुप हो गई। उसने इस बात को घर में उठाना बंद किया। उसे लगा कि इसका उसके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। समय बीतता गया। करीब 3 साल के बाद राजीव की तबीयत खराब हुई। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। राजीव अपनी पत्नी को बिना बताए अस्पताल गया था और करीब 1 या 2 दिन बाद वापस आ गया। घर में किसी को इस बारे में उसने नहीं बताया। 2 दिन बाद जब वो घर आया तो अंजू उस पर टूट पड़ी। बोली कि क्या हालत बना रखी है, कहाँ थे, ऐसा क्या है जो आप इतने सालों से छिपा रहे हैं, आज मुझे आपके और इस लॉकर के बारे में जानना है। राजीव ने अब सच बताना सही समझा। उसने लॉकर खोला और उसमें से फाइल निकालकर अपनी पत्नी को दिखाना शुरू कर दिया। अब देखकर अंजू के पैरों तले जमीन निकल गई। उस फाइल में उसकी बीमारी और अस्पताल के पर्चे थे। राजीव ने बताया कि आज से ठीक 4 साल पहले उसे पता चला था कि उसे एक गंभीर बीमारी है और ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। इस बात ने उसे तोड़ दिया था। उसे चिंता सताने लगी थी। वो यही सब में डूबा हुआ था। वो निराशा और चिड़चिड़ा हो गया था। यह सब हो ही रहा था कि एक दिन दुकान के सामने उसे एक औरत दिखाई दी जो कि भीख मांग रही थी। उसे देखकर उसे दया आ गई। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ बहन, देखने से लगता है कि तुम अच्छे घर की हो और फिर सड़क पर इस तरह भीख मांग रही हो। उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई, कहा कि वो अनाथ थी, उसके पति ने उससे शादी की, लेकिन उनके देहांत के बाद उसका वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। उसे वहाँ के लोगों की नीयत का पता चल गया था, इसलिए वो कैसे भी बचकर अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ से यहाँ इस नए शहर में आ गई। यहाँ उसे गुजारा और रहना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मजबूरन उसे भीख मांगना पड़ रहा है। राजीव को उस समय लगा कि अब उसकी जिंदगी कुछ ही समय की है, इसलिए उसने उसकी मदद करना शुरू किया। उसे और उसके बच्चों के रहने को घर और खाने की व्यवस्था की, साथ ही हर महीने उसे पैसे भी भेजता रहता है। उसने न सिर्फ उसकी बल्कि औरों की भी मदद करना शुरू किया। राजीव भी आश्चर्य से भरा रह गया था कि इस दौरान उसे पैसों की कमी नहीं रही। साथ ही जो बीमारी उसे कुछ दिनों में खत्म करने वाली थी, उसके इस अच्छे काम की वजह से उसे अभी भी जीवित रखे हुए है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं अपने घर की जरूरत के बाद जितना हो सकता है मदद करता हूँ, जिसे जरूरत है मुझे अंदर से खुशी मिलती है, शायद यह उन लोगों की दुआ है जो मैं अभी तक जीवित हूँ। अंजू यह सब सुनकर रोने लगी और उसने अपने पति से माफी भी मांगी। उसने कहा कि आप इतना सब कुछ झेल रहे थे और हम आपको कितना गलत समझ रहे थे। अंजू भी राजीव के इस काम में अब उसका साथ देने लगी। इस जिंदगी में कब क्या हो जाए हम में से कोई नहीं जानता। अगर हम किसी के काम आ जाएं, किसी को जिंदगी जीने में मदद कर दें, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। अच्छे कर्मों और नियत का फल हमेशा अच्छा होता है।